काफी बार लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमारे घर वालों से, हमारे बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में एडजस्ट कैसे करें। बोलता हूँ, प्यार और आत्मीयता से एडजस्ट करें। रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस से एडजस्ट करें, प्यार से एडजस्ट करें। फिर लोगों के सवाल आते हैं कि देखो आजकल के बच्चे जो है वो बड़े होते हैं तो फिर उनको लगता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं तो अभी बड़ा हो गया हूँ, मूछ आ गई है, दाढ़ी आ गई है, अब तभी भी मुझे मेरे पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। पेरेंट्स पूछते हैं कि कब वापस आएगा, बाहर जा रहा तो रात को लेट क्यों आया, अभी कहाँ जा रहा है, दोस्त कौन है। और फिर ये जब पूछते हैं तो बच्चों को लगता है कि भाई मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरा पीछा करते हैं, पूछते रहते हैं। देखो हमारे दोस्त जो है उनके माता पिता ऐसा नहीं, कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। आजकल क्या हो गया कि बच्चों की डिमांड भी बहुत बड़ी, बिल्कुल, कि भाई उनको मोबाइल होना, अलग अलग एकदम नया मोबाइल होना, एप्पल का होना, फिर तो नए नए गारमेंट्स, अभी नए नए शॉप्स खुले गारमेंट्स के, तो ब्रांडेड ड्रेसेस होना, गाड़ी होना, बाइक नई होना, फिर उनके पास में जो भी है, मतलब जो नए नए कुछ भी जो नया मार्केट में आ गया तो वो होना है, उनको होटल जाना है, उनको पॉकेट मनी होना है, उनको गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर खर्चा करना है, या गर्ल है तो बॉयफ्रेंड के ऊपर खर्चा करना है, मतलब जो भी है वो तो ऐसे, इसलिए उनको पैसे लगते हैं, तो उनको पैसे भी चाहिए। और उनको लगता है कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, उनको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, और माँ बाप को लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है कि माँ बाप का संस्कार जो है वो अलग है, उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, बच्चों का संस्कार अभी अलग हो चुका है, उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, अब उसमें होता है क्लैश, और क्लैश हो गया तो फिर प्रॉब्लम होते रहते हैं। फिर माँ बाप क्या बोलते हैं, फिर पिताजी क्या बोलेंगे, देखो मैं तेरे लिए ऐसा बोल रहा हूँ, तूने ऐसा करना चाहिए, तूने पढ़ाई करना चाहिए, तूने जल्दी घर पे आना चाहिए, तूने डिसिप्लिन, तेरे लिए बोल रहा हूँ। उसको लगता है कि देखो बहुत पीछे लगे हुए, उसको लगता नहीं कि वो उसके लिए हम बोल रहे हैं, उसको नहीं लगता, उसको सुना ही नहीं आता, वो उसको सुना ही आता नहीं, मतलब हियरिंग है, लिसनिंग नहीं है। फिर अब इसके लिए करना क्या है, ये सवाल हमें आ सकता है। अब इसके लिए करना ये है कि पहले जानना जरूरी है कि भाई माँ बाप या घर के पेरेंट्स लोग ऐसा क्यों करते हैं, पीछे क्यों लगते हैं। एक कारण जो है वो ऐसा है कि उनको लगता है कि नहीं, उनको डिसिप्लिन में आना चाहिए, नंबर एक। दूसरा जो मेन महत्व का जो कारण है वो ये है कि भाई यदि बच्चा बराबर बिहेव नहीं करता है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा, तो फिर क्या हो रहा है, मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं एंग्शियस हो रहा हूँ, मेरे में घबराहट हो रही है, मैं अस्थिर हो गया हूँ। और वो अस्थिरता दूर करने के लिए और वो अस्थिरता दूर करने के लिए वो अशांति दूर करने के लिए फिर मैं बोलते रहता हूँ तो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इसका मतलब क्या है, बेटे ने बदलना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी अस्थिरता, मेरा रेस्टलेसनेस, मेरी एंग्जाइटी दूर करने के लिए मैं बाप रे बेचैन हो जाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा है। अभी वैसा देखा जाए तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है, मैं मेरे जगह पे सही हूँ, बेटा बेटे की जगह पे सही है, बाप बाप के जगह पे सही है, बेटा बेटे की जगह पे सही है, माँ माँ के जगह पे सही है, बच्ची बेटी बेटी की जगह पे सही है। उनको बर्थडे पार्टीज है, उनको दोस्तों के साथ में घूमने जाना है, उनको 1,000 रुपये हर हफ्ते के पॉकेट मनी होना है, उनको नाइट आउट करना है। अभी अलग हो गए संस्कार, अब वातावरण अलग हो गया है, तो माँ बाप ने यह करना चाहिए कि भाई जो भी हो रहा है वो अभी जमाना बदल गया है, अभी अपने ज़माने से मत कंपेयर करो कि मेरे बचपन में ऐसा नहीं था, हमारे बचपन में हम ऐसा नहीं करते थे, छोड़ो उसको अभी। अभी आपको क्या करना है कि पहले स्वीकार करना है कि मैं रेस्टलेस हो गया हूँ, मैं रेस्टलेस इसलिए हुआ हूँ कि मेरे बिलीफ सिस्टम के खिलाफ वो हो रहा है, नंबर एक। दूसरा, एक बार वो मैंने एक्नॉलेज किया कि मेरे बिलीफ सिस्टम में मेरे संस्कार से वो अलग कर रहा है अभी, ये पहले एक्नॉलेज करो, नंबर एक। और नंबर दो, वो एक्सेप्ट करो कि भाई वो भी सही है उसके हिसाब से, बदलते ज़माने के हिसाब से, और मैं भी सही हूँ मेरे हिसाब से, मेरा ज़माना जो था पुराना ज़माना उसके हिसाब से। तो जब मैं स्वीकार करूँगा, रिलैक्स हो जाऊँगा, कंफर्टेबल हो जाऊँगा, और मैं बाद में जब बात करूँगा तो फिर मेरे बात करने का तरीका अभी अलग होगा।
स्वीकार करने के बाद में जब बात करूंगा तो वो बात बेटे को इरिटेट नहीं करेगी, उसको चीड़ नहीं आएगी, उसको ये लगेगा हाँ उसके लिए बोल रहा हूँ, अभी ना अभी मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी मैं तो शांत हो गया हूँ, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, अभी निगेटिव एनर्जी उसके तरफ नहीं जाएगी, और उसको वो सुनाई आता है कि भाई उसके फ़ायदे के लिए मैं कब बोल रहा हूँ और मेरे फ़ायदे के लिए मैं कब बोल रहा हूँ। और जब उसको वो सुनाई आता है कि मैं उसके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, तो वो सुनने के मूड में आता है, सुनना चालू करता है, और फिर हम चर्चा कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, और बैठ के बात करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी है हमने वो देखना चाहिए कि अभी ज़माना बदल गया है, अभी हम पुराने ज़माने से कंपेयर नहीं होना, तो मुझे भी बदलना पड़ेगा, मेरे संस्कार जो है, मेरी बिलीफ सिस्टम जो है, उसको मुझे बदलना पड़ेगा, और अभी मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसा मैं बेटे को बोल रहा हूँ, बेटी को बोल रहा हूँ एडजस्ट करो, वैसा अभी मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और मैं एडजस्ट करता हूँ तो जो क्लैशेस जो हो रहे हैं वो होंगे नहीं, और घर में शांति आ जाएगी। बेटे को ये लगेगा नहीं कि भाई मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है, बहुत जगह ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मेरा बाप मेरा दुश्मन है, उसके दोस्त उसको अच्छे लगते हैं, दोस्तों की सलाह मानता है, बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं मेरे पास में आते हैं कि नहीं उसके दोस्तों की सलाह मानेगा, हमारे नहीं मानता, क्योंकि वो दोस्त है। फिर आपकी मानना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो फिर आप उसके दोस्त बनो, ना कि आपके आप डोमिनेटिंग पेरेंट, दबाव डालने वाले, प्रेशर डालने वाले पेरेंट्स ऐसे मत बनो। ये करेंगे डेफिनेटली तो घर में आपसी संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।